मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित होने जा रहे श्री 108 कुंडीय श्रद्धा संवर्धन गायत्री महायज्ञ की तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरणों में है और ये विशाल शोभा यात्रा कलश यात्रा निकाली जा रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं हृदय स्थल घंटाघर से ये सीधा प्रसारण आप LNV टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि विशाल शोभा यात्रा पारंपरिक भारतीय परिधान में सुसज्जित नारी शक्ति अपने सिर पर मंगल कलश लिए हुए और हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं यहां निकली हुई हैं। गायत्री मंत्र का जाप हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर हम सुधरेंगे युग सुधरेगा जैसे नारे भी गलियों में गुंजायमान हो रहे हैं। स्थानीय शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के विशाल प्रांगण में 108 कुंडी श्रद्धा संवर्धन गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ 19 जनवरी को प्रातः सामूहिक जप ध्यान प्रज्ञा योग के साथ प्रारंभ हो जाएगा और फिर होगा देवताओं का आवाहन, गायत्री महायज्ञ, कार्यकर्ता गोष्ठी और युग संगीत प्रवचन। इस प्रकार यह 19 जनवरी को यह आयोजन होगा और 20 जनवरी को फिर प्रातः सामूहिक जप ध्यान प्रज्ञा योग गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार इस दिन संपन्न कराए जाएंगे। युग संगीत प्रवचन एवं संकल्प दीप महायज्ञ का कार्यक्रम भी इस दिन संपन्न होगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार हम सुधरेंगे युग सुधरेगा जैसे कोटेशनों को यहाँ पर लोग नारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पर दिखलाई दे रही है, मंगल कलश लिए हुए और 21 जनवरी को सामूहिक जप ध्यान प्रज्ञा योग गायत्री महायज्ञ और विभिन्न प्रकार के संस्कार एवं पूर्ण आहुति का कार्यक्रम संपन्न होगा। विशाल प्रांगण में 108 यहां पर वेदियां बनाई गई हैं। गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य हम सुधरेंगे युग सुधरेगा को क्रियान्वित करने, धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की विधा को अपनाते हुए दमोह में 108 कुंडी श्रद्धा संवर्धन गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन का मूल उद्देश्य जनमानस में ईश्वरी सत्ता, जिसे हम विभिन्न नामों जैसे भगवान, गॉड, खुदा, वाहेगुरु आदि से संबोधित करते हैं, के प्रति सघन श्रद्धा जगाने का है, जिससे वह अपने दैनिक क्रियाकलापों को देव स्तर का बना सके और धरती पर स्वर्ग जैसा वातावरण निर्मित हो सके। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ गायत्री परिवार से जुड़े हुए सदस्य मातृशक्ति मंगल कलश लिए हुए हैं, यह आयोजन स्थल पर पहुंचे हुए हैं और गायत्री मंत्र के साथ साथ विभिन्न सामाजिक समस्याओं को सुधारने के लिए जो नारे बनाए गए हैं उन नारों को लगाते हुए यहाँ पर गायत्री परिवार के लोग देखे जा सकते हैं। गायत्री परिवार ने जिले के सभी आम जनमानस से कार्यक्रम में सहभागिता करने और धर्म लाभ लेने की विनम्र प्रार्थना भी की है। समाचारों के लिए देखते रहिए LNV टीवी, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।